अगर आप भी YouTube पर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको भी किलर वीडियो एडिटिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अपनी एडिटिंग स्किल से बहुत सारे यूट्यूबर बहुत ही फास्ट YouTube पर ग्रो कर लिए हैं यार। आपको भी एडिटिंग का सही तरीका और टेक्निक पता चल गया ना, तो आप भी YouTube पर बवाल मचा सकते हो किसी भी कैटेगरी में। और ये वीडियो भी ऑल कैटेगरी के काम आने वाली है, चाहे वो म्यूजिक वीडियो बनाते हो, एजुकेशन वीडियो बनाते हो, ब्लॉग बनाते हो, गेमिंग चैनल हो, सभी के काम आने वाली है ये वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलर किसी एक यूट्यूबर की एडिटिंग रिवील नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मोस्टली यूट्यूबर के एडिटर जिन टेक्निक का यूज करते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। बस फर्क ये होगा कि बड़े क्रिएटर्स के वीडियो एडिटर प्रीमियर प्रो एवेंची जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं महंगे पीसी या लैपटॉप में। हम धांसू एडिटिंग करेंगे अपने टूटे फूटे मोबाइल से, और हम एडिट करने वाले हैं कैपकट ऐप में। ये इतना फाड़ू ऐप है ना दोस्तों कि आज से पहले आपने मोबाइल एडिटिंग ऐप ऐसा नहीं देखा होगा, आई एम श्योर नहीं देखा होगा। ये आपका टाइम भी बचाता है, स्मूथ भी चलता है, और कैपकट ऐप में हर वो प्रोफेशनल फीचर है जो फुकरा इंसान, थगेश ट्रिगर इंसान, एल्ग्रो डिकोडिंग वाईटी और भी फेमस यूट्यूबर की वीडियो एडिटिंग में जो इफेक्ट, ट्रांजिशन, टेक्स्ट इफेक्ट का यूज करते हैं, वो सब और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा कैपकट और इस वीडियो में। यार हम वीडियो एडिट करना तो बहुत सारी वीडियो देखकर सीख लेते हैं, बट मिस्टेक्स के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, तो हम वो पॉइंट भी कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आप वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आई प्रॉमिस कि इस वीडियो के बाद आपका एडिटिंग का नजरिया बदल जाएगा और आपकी वीडियो भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह इंगेजिंग होगी। yes! सच में। ओके, लेट्स ओपन योर कैपकट एंड कनेक्ट टू द वीपीएन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैपकट ओपन करने के बाद आपको जौन सी वीडियो एडिट करना है सिंपली इंपोर्ट कर लो। अब अगर आप फेस कैम वीडियोस बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज टाइम कम लगता है यार वीडियोस एडिट करने में। अगर आप फेसलेस वीडियोस बनाते हो तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एडिटिंग करने में, बिकॉज वीडियोस, क्लिप्स, इमेजेस सर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। पर दोस्तों आप प्रो एडिटिंग ऐप पर एडिट कर रहे हो, इसलिए कैपकट में ही आपको बहुत सारी फ्री वीडियोस मिल जाती है जो किसी और ऐप पर आपको नहीं मिलती। अगर क्लिप्स कम पड़े तो आसानी से पिक्साबे पिक्सल वेबसाइट से अनलिमिटेड नो कॉपीराइट क्लिप्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ओके, क्लिप्स ऐड करने के बाद हमें चाहिए ऑडियो। अब तुम चाहो तो कैपकट पर जाकर वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, और रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ से रिड्यूस नॉइस ऑन कर देना ताकि बाहर की आवाज थोड़ी कम हो जाए। ऑन करने के बाद जो खराब पार्ट्स हैं, जहाँ पर आपने पॉसेस लिए हैं, उसे डिलीट कर देना है। चाहे तो आप कर्सर पकड़ के ट्रिम कर सकते हो या फिर स्प्लिट कर सकते हो। पर ऑडियो और ज्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं यूज करता हूँ अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज ऑफ मेरे पास कोई माइक नहीं है तो मैं इसी से काम चला लेता हूँ। और जिनकी वीडियो में ही ऑडियो है वो सिंपली वीडियो पर क्लिक करना, लेफ्ट साइड में स्लाइड करोगे तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना, आपकी अलग से ऑडियो फाइल आ जाएगी, जिससे आपको आगे की एडिटिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ओके, अब ऑडियो रेडी होने के बाद अब जो वीडियो क्लिप्स ऐड करना है पहले ऐड कर लो, जैसे मैंने की हुई है। चलो, जो क्लिप्स वगैरह हमने इंपोर्ट करनी थी वो सब हमने इंपोर्ट कर ली, लेकिन एडिटिंग का मेन काम शुरू होता है आपका अब से। चलो, एडिटिंग को और आसान बनाने के लिए सिंपल भाषा में समझते हैं। एग्जांपल के लिए समझो कि एक घर बनाना है। अब जैसे एक घर बनाने के लिए पहले बुनियाद खोदनी पड़ती है, फिर दीवार बनाते हैं, और फिर उस घर को सजाने के लिए खिड़की, दरवाजे, पेंट, फ्लोर और भी कई चीजों का यूज करते हैं, तब जाकर एक घर रेडी हो पाता है। वैसे ही एडिटिंग को समझो। अब हमारी एडिटिंग की मेन बुनियाद और दीवार मतलब ऑडियो और वीडियो तो रेडी हो गई, अब बचता है काम अपनी वीडियो को सजाने का। जैसे हम घर में खिड़की, दरवाजे, पेंट फ्लोर का यूज कर रहे थे घर को सजाने के लिए, वैसे ही घर यानी वीडियो में खिड़की दरवाजों की जगह हम इफेक्ट, ट्रांजिशन, साउंड डिजाइन, एनिमेशन, ट्रांजिशन और भी कई चीजें ऐड करके वीडियो को रेडी करेंगे। तो मैंने अपने इंट्रो में जो मटेरियल यूज किया है वही मोस्ट ऑफ बिग यूट्यूबर भी यूज करते हैं, तो मैं अपने इंट्रो एडिटिंग पर लेकर चलता हूं और वन बाय वन समझाने की कोशिश करता हूं विद एग्जांपल्स। अब सबसे पहले जो मेरी फर्स्ट क्लिप है उस पे मैंने लगाया है एक जूम एनिमेशन। एनिमेशन लगाने के लिए आपको अपनी वीडियो क्लिप पर क्लिक करना है एंड एनिमेशन वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको जौन सा एनिमेशन लगाना है अपनी वीडियो के हिसाब से वो चूज करके लगा सकते हो। सेम क्लिप पर मैंने ऐड किया है की फ्रेम। की फ्रेम से आप खुद का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, जैसा आप चाहो, जो मर्जी चाहो। आप फुकरा भाई की वीडियोस में भी देख सकते हो कि की फ्रेम का यूज बार बार किया जाता है। जो ये जूम वाला इफेक्ट आ रहा है बार बार, ये की फ्रेम की वजह से हो रहा है। की फ्रेम का यूज मोस्टली यूट्यूबर करते हैं। चलो बताता हूँ यूज कैसे करना है। मैंने फुकरा भाई की सिंपल वीडियो पहले ही इम्पोर्ट कर रखी है आपको बताने के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक सिंपल वीडियो है जिसमें हम की फ्रेम्स लगाएंगे, और ये
ओकरा भाई की ओरिजिनल वीडियो है जिसे हम मैच करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट आपको अपनी वीडियो क्लिप पर क्लिक करना है, देन ये ट्रायंगल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसी को की फ्रेम कहते हैं। तो पहले हम एडिटिंग बार को जूम करेंगे ताकि सही जगह पर की फ्रेम लगे। दोनों उंगलियों से एडिटिंग बार पकड़कर स्ट्रेच कर देना, जूम हो जाएगा। अब जैसे फुकरा भाई की वीडियो स्टार्टिंग में और बीच बीच में जूम हो रही है, हम भी उसी इफेक्ट को बनाते हैं की फ्रेम की मदद से। तो हम स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाएंगे एंड जहां तक आपको जूम चाहिए कर्सर को लाना एंड वीडियो को पकड़कर स्ट्रेच करके जूम करोगे तो दूसरा की फ्रेम अपने आप लग जाएगा। इसी तरह मैं आगे चलकर वीडियो को थोड़ा और छोटा कर दूं तो एक की फ्रेम और लग जाएगा। अब आप देखोगे कि जो हमने दूसरा वाला की फ्रेम लगाया था और वीडियो वहां तक चलते चलते अपने आप जूम होती रहेगी एंड दूसरा की तीसरा की फ्रेम जहां पे हमने लगाया था वहां तक जाते जाते वीडियो अपने आप छोटी होती रहेगी। तो यही है की फ्रेम का फायदा, ये इसी का यूज करते हैं मोस्ट ऑफ क्रिएटर्स। ये तो बस मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया, आप जितना ज्यादा परफेक्टली यूज करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। वैसे की फ्रेम पर फुल वीडियो है चैनल पर, आप देख सकते हो बाद में। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 ओवरले पर। ओवरले मींस कि एक क्लिप के ऊपर एक या एक से ज्यादा वीडियो या फोटो का यूज करना। किसी किसी ऐप में ये PIP के नाम से भी ऑप्शन आता है, ओके, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब फुकरा भाई ने बिग बॉस वाली फोटो और ये आदमी वाली फोटो का यूज किया है, मतलब ओवरले PIP का यूज किया है, और मैंने यूज किया है इस थंब वाली फोटो का, यूट्यूब लोगो का और ये नंबर वाली फोटो का। आपको सिंपल ओवरले पर क्लिक करके एड ओवरले करना है और जो भी फोटो या वीडियो यूज करनी है कर सकते हो। कहानी अभी यही खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त। अब देखो फुकरा भाई के एडिटर ने ये बिग बॉस वाले PNG और ये आदमी वाले PNG फोटो दोनों में की फ्रेम का यूज किया है, जैसे मैंने किया है यूट्यूब वाले लोगो पर। की फ्रेम आपके इशारे पर काम करता है स्टेप बाय स्टेप, जितना दिमाग आपका चलेगा उतना की फ्रेम चलेगा। की फ्रेम का यूज आप किसी भी चीज, फोटो, वीडियो, इमोजी, टेक्स्ट, ऑडियो, किसी भी जगह कर सकते हो इसी तरीके से। ओके, नेक्स्ट स्टेप आते हैं ट्रांजिशन पर। ट्रांजिशन लगाने के लिए सिंपल ये दोनों क्लिप के बीच में जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके जो भी ट्रांजिशन सेट करना चाहते हो कर लो, और यहां से ट्रांजिशन का टाइम ड्यूरेशन कम ज्यादा कर लेना अपनी वीडियो के हिसाब से। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं इफेक्ट, जो कि कैप कट में इफेक्ट्स के ऑप्शन देख के आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आप मेरे इंट्रो में देखोगे कि मैंने कितने सारे इफेक्ट का यूज किया है, जैसे कि ये फायर वाला और भी बहुत सारे। आपको भी इफेक्ट का यूज करना है तो सिंपल इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना, यहाँ पर हजारों की तादाद में आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। यही इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट में बनाने में पूरा दिन लग जाएगा और कैप कट में सिर्फ एक क्लिक में। तो जो दिल बोले और वीडियो के हिसाब से सही लग रहा हो चिपका देना। ओके, जो फेस वाली वीडियोस बनाते हैं फिल्टर्स पर जाकर थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। इसी तरीके से स्टिकर्स वाले ऑप्शन पर जाकर आप स्टिकर्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये एरो वगैरह यूज किया है तो आप भी यूज कर सकते हो। अब अगर हम अपनी क्लिप पर क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि वीडियो को स्लो फास्ट करना। एनिमेशन के बाद स्टाइल वाले ऑप्शन पर आओगे तो और भी इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और आगे आएंगे तो एक कटआउट का ऑप्शन मिलेगा। ये बहुत काम की चीज होती है दोस्तों, इसमें आप अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, ग्रीन स्क्रीन हटा सकते हो बस एक क्लिक में बिना किसी झंझट के। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी कैप्शन, आजकल दोस्तों सभी क्रिएटर इसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं और मैं भी करता हूं। तो पहले हम कैप्शन लिखेंगे। वैसे तो कैपकट में ऑटो कैप्शन का भी ऑप्शन है पर उसमें आपको मजा नहीं आएगा, आपको खुद ही लिखना पड़ेगा पूरे कैप्शन। तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट पर जाना है एंड ऐड टेक्स्ट कर देना है। अब जैसे फुकरा भाई ने बोला, गाइस आपने टुनटुन मौसी देखी, टुनटुन मौसी जब, तो पहले लिखना है गाइस एंड गाइस लिखने के बाद टेक्स्ट वाले कर्सर को पकड़ के वीडियो के एंड तक पहुंचा देना है ताकि कट्स लगाने में आपको आसानी हो जाए और बार बार आपको टेक्स्ट को सजाना ना पड़े। लेकिन टेक्स्ट पर कट्स लगाने से पहले टेक्स्ट को डिजाइन भी कर लेना है, जैसे कि फॉन्ट्स और कैप कट में ना भाई इतने सारे फॉन्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जितने बाकी किसी भी मोबाइल एडिटिंग ऐप में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसी तरह आपको स्टाइल में बहुत सारे स्टाइलिश चीजें देखने को मिल जाएंगी, आप अपने टेक्स्ट में और जान डाल
डाल सकते हैं। अब अगर आपके पास वीडियो और ऑडियो एक साथ है तो कैप्शन लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑडियो की वेव्स के हिसाब से कट्स लगाने में ज्यादा आसानी हो जाती है और परफेक्ट कट भी लगता है। तो ऑडियो फाइल अलग करने के लिए सिंपली आपको वीडियो क्लिप पर क्लिक करना है एंड आपके पास ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर देना, आपकी ऑडियो फाइल कुछ ही सेकंड में रेडी हो जाएगी। अब वापिस टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और एक एक वर्ड लिखते हैं, जैसे फुकरा भाई ने बोला गाइस तो लिखते हैं गाइस। अब आपको देखना है ऑडियो वेव्स में आपने दूसरा वर्ड कहां से स्टार्ट किया। अब जैसा कि ऑडियो की वेव्स देखकर पता चल रहा है कि फुकरा भाई ने दूसरा वर्ड आपने यहां से बोला। अब बिना कर्सर को हिलाए बैक वाले बटन पर क्लिक करके टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन ये स्प्लिट वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहां से स्प्लिट कर देंगे और नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे आपने। इसी तरह जहां तक आपको कैप्शन चाहिए वहां तक 1x1 कैप्शन लिख देना है। मैं फटाफट कैप्शन लिख देता हूं और आप इस तरीके से कैप्शन लिखोगे तो कैप्शन आगे पीछे नहीं आएगा और प्रोफेशनल भी लगेगा। चलो अब हमने कैप्शन तो लिख दिया, अब बारी आती है कैप्शन पर एनिमेशन लगाने की, जो दो एनिमेशन फुकरा भाई अपने टेक्स्ट में यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो टेक्स्ट लिखा है उस पर क्लिक करना है, देन एनिमेशन वाले ऑप्शन पर चले जाना है और अब ध्यान से देखना है। सबसे पहले इन वाला एनिमेशन लगाएंगे, कैपकट में बहुत सारे एनिमेशन आपको देखने को मिलेंगे पर फुकरा भाई अपने इन एनिमेशन में बाउंस इन एनिमेशन को यूज करते हैं। तो हमें बाउंस इन पर क्लिक करके इसका टाइम ड्यूरेशन कम कर देना है। मैं रख देता हूँ 0.1 सेकंड, आप अपने टेक्स्ट के हिसाब से टाइम ड्यूरेशन रख सकते हैं। ये तो हुआ टेक्स्ट इन एनिमेशन, अब टेक्स्ट आउट एनिमेशन लगाते हैं। टेक्स्ट आउट में फुकरा भाई यूज करते हैं स्लाइड डाउन का, तो इस पर क्लिक करने के बाद इसका भी टाइम ड्यूरेशन कम कर देना है। मैं 0.1 सेकंड ही रखता हूँ, आप अपनी वीडियो के हिसाब से रख सकते हैं अपने टेक्स्ट के हिसाब से। इसी तरीके से सभी टेक्स्ट पर सेम एनिमेशन इन आउट का आपको लगा देना है। देन अब वीडियो को हम प्ले करके देख लेते हैं। गाइस आपने टुनटुन मौसी देखी, टुनटुन मौसी जब मैं बिग बॉस, ये उन लोगों के लिए एक तोहफा है जो सच में अच्छी एडिटिंग करना चाहते हैं। साउंड डिजाइन, हमने जितने भी ओवरले, ट्रांजिशन इफेक्ट, टेक्स्ट एनिमेशन और की फ्रेम का यूज किया है, अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसमें वो मजा नहीं आएगा जो मजा इफेक्ट वगैरह लगाकर आना चाहिए था। अभी वो सब कुछ अधूरा लग रहा है, जैसे कि मैं इस पार्ट को 2 बार प्ले करके दिखाता हूं, एक साउंड इफेक्ट के साथ और एक सिंपल। जितने भी ओवरले, ट्रांजिशन इफेक्ट, टेक्स्ट एनिमेशन और की फ्रेम का यूज किया है, अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसमें वो मजा नहीं आएगा। साउंड डिजाइन, हमने जितने भी ओवरले, ट्रांजिशन इफेक्ट, टेक्स्ट एनिमेशन और की फ्रेम का यूज किया है, अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसमें वो मजा नहीं आएगा जो मजा इफेक्ट वगैरह लगाकर आना चाहिए था। अभी वो इसलिए हमने जहां जहां पर इफेक्ट, ट्रांजिशन, ओवरले, टेक्स्ट और भी चीजों का यूज किया है उस पर हम वीडियो के रिक्वायरमेंट के हिसाब से साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे। आपको सिंपल ऑडियो पर जाना है एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आओगे तो अनलिमिटेड फ्री ऑडियो इफेक्ट मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने ट्रांजिशन के साथ ज्यादा वॉइस साउंड का यूज किया है, टेक्स्ट के साथ कीबोर्ड साउंड, ओवरले के साथ पॉप साउंड। इसी तरीके आपको अपनी वीडियो के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जौन सा साउंड इफेक्ट यूज करना है कर सकते हो, जैसे मैंने किया है और लोग भी यही करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एडिटिंग मिस्टेक्स की। मिस्टेक नंबर 1, अपनी क्लिप की लेंथ 15-20 सेकंड की बजाय 4-5 सेकंड की रखा करो, ऑडियंस बोर नहीं होगी, खासकर अपने इंट्रो में। मिस्टेक नंबर 2, साउंड इफेक्ट का यूज करने के बाद वॉल्यूम कम कर दिया करो, नहीं तो वीडियो बहुत भद्दी लगने लग जाती है यार। मिस्टेक नंबर 3, परफेक्ट कट लगाने के लिए ऑडियो वेव्स का यूज करा करो, जैसे हमने टेक्स्ट में कट्स लगाए थे। मिस्टेक नंबर 4, इफेक्ट एंड एनिमेशन, मैं बहुत सारे लोगों की वीडियोस में देखता हूँ कि जबरदस्ती के इफेक्ट और एनिमेशन लगे होते हैं, तो ऐसे घिचड़ पिचड़ नहीं करना है यार, वीडियो के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करा करो, नहीं तो वीडियो ओवर एडिटेड लगेगी। दोस्तों मोस्टली एडिटिंग में जो जो चीजें यूज होती हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, बट वीडियो एडिटिंग में आप जितना ज्यादा करोगे उतना कम है। अभी बहुत सारी चीजें बची है एडिटिंग में करने के लिए, तो उन टॉपिक्स को हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आपको जो जो बताया है उस पर हाथ साफ करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, हम मिलेंगे उस वीडियो में। और अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। Have a nice day.